साथ आजम खान पर एक और नया मुकदमा दर्ज हुआ है। आजम खान पर जमीन पर कब्जा करने के आरोप में एक और मामला दर्ज हुआ है। आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार समेत चार लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। रामपुर में नायब तहसीलदार सदर की शिकायत पर आजम खान पर मामला दर्ज किया गया है। मुंबई के महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पर अचानक शॉर्ट सर्किट के बाद धमाका होने से हड़कंप मच गया। खबर है कि ओवरहेड वायर में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से एक साथ दो जोरदार धमाके हो गए। धमाका होते ही स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। जिस जगह धमाका हुआ वहां से महज कुछ सेकंड पहले ही एक लोकल ट्रेन गुजरी थी। इन धमाकों से लोग अभी संभल भी नहीं पाए थे कि वहां फिर एक साथ दो और धमाके हो गए, जिसके बाद स्टेशन पर चारों तरफ धुआं फैल गया और लोग तेजी से भागने लगे। इस बीच कुछ लोग खड़े होकर इस घटना का वीडियो बनाते भी नजर आए। ओवरहेड वायर गिरने और धमाकों की वजह से इस रूट पर सभी लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। करीब एक घंटे बाद इस गड़बड़ी को दूर किया जा सका। एमपी के झाबुआ में दो दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। वहाँ बारिश की वजह से अनास नदी उफान पर है, जिस वजह से नदी पर बना पुल पानी में डूब गया। लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। इन लोगों में कुछ बच्चे और एक स्कूटर सवार भी पुल पार करते दिखे। पानी का स्तर बढ़ने की वजह से अनास डैम के भी सभी गेट खोल दिए गए। दूसरी ओर एक सरकारी स्कूल के गेट पर पीठ पर बस्ते लादे खड़ी कुछ छात्राएं स्कूल के अंदर जाने के लिए परेशान होती दिखी, क्योंकि बारिश की वजह से स्कूल परिसर में पानी भर गया और अंदर जाने के रास्ते बंद हो गए। स्कूल के कई क्लासरूम में भी पानी भर गया, जिससे छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान हुआ। जिले में बिगड़ते हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। ऐसे ही हालात शाजापुर में दिखे, जहां भारी बारिश की वजह से कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया और लोगों के रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो गए, क्योंकि शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया और वहां पानी सैलाब बनकर बहने लगा। सड़क पर पानी भरने की वजह से बेबस लोग सड़क किनारे खड़े हो गए तो कुछ ट्रैक्टर पर सवार होकर अपनी मंजिल पर निकल गए। इसी बारिश के चलते जो है कई निचले इलाकों में जो मकान इसी तरफ आप देख रहे हैं, उन मकानों के पास पानी भर रहा है। कई निचले इलाके जहां पर जल भराव की स्थिति बन रही है। रिहायशी इलाकों में भी पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गयी। पानी से बहुत परेशान हो रहा, हमारे घरों में पानी घुस गया, घर से बाहर लोग आते। वहीं अलीराजपुर जिले में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शहीद चंद्रशेखर आजाद डैम के दो गेट खोल दिए गए। डैम में पानी इतना बढ़ गया है कि पानी खतरे के निशान तक पहुंचने वाला है। अगर वहां लगातार बारिश होती रही तो डैम के सभी गेट भी खोले जा सकते हैं। उधर बड़वानी में भी नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से आसपास बसे गांव में रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। वहां हालात ये हैं कि जिले का बड़दा गांव टापू में तब्दील हो गया है, जिसमें सात घरों के करीब 30 लोग अपने पालतू जानवरों के साथ गांव में फंस गए हैं। खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो चुका है। जिला प्रशासन की कोशिश है कि इन लोगों को नाव की मदद से गांव से बाहर सुरक्षित जगहों पर ले जाए, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीम को वहां भेजा भी गया, लेकिन ये लोग बिना मुआवजा मिले गांव छोड़ने को तैयार नहीं है। घर बैठे हैं, पानी आ गया है, बीच टापू में फंसे हुए हैं। उनको अभी कुछ नहीं मिला है, हमको जगह पलाट कुछ भी दे दो तो हम यहाँ से चले जाएं। मंडला जिले में भी बारिश की वजह से सुरपन नदी उफान पर है। ऐसे में नदी पर बने एक पुल से लकड़ी बीनते वक्त एक महिला नदी में बह गई। इस महिला को बचाने के लिए दो लड़कों ने नदी में छलांग लगा दी। एक लड़के ने महिला को बचा लिया, लेकिन दूसरा नदी के तेज बहाव में खुद बह गया। घटना की जानकारी मिलने पर बचाव दल की टीम वहां पहुंची और लड़के की तलाश में